हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे 500 की क्रैंक प्रॉब्लम। अगर आपके गाड़ी में ऐसे जैसे ठक ठक थोड़ा सा बजता है और आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा नॉकिंग आती है, तो 500 का ऐसे पिस्टन बहुत बड़ा होता है, कई बार ये लूज़ हो जाता है। तो इसके कारण देखिए, अभी ये पिस्टन भी देखिए आप, बिल्कुल ऊपर करके दिखा रहा हूँ, ये पिस्टन भी लूज़ नहीं है इतना ज़्यादा, पर फिर भी इस गाड़ी में बहुत ठक 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 आवाज़ आ रही है। तो इसको इसका रीज़न देखें क्या है। तो इसके लिए हम बताता हूँ मैं आपको, इसका हमने हेड उतार लिया, अब सिलेंडर उतार के मैं क्रैंक दिखाता हूँ आपको और क्रैंक की पहचान भी बताता हूँ कि कैसे ख़राब हो रही है, तो हमें कैसा पता लगेगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सिलेंडर उतारने के बाद इसके हम देखिए कितनी क्रैंक लूज़ हो गई है। तो इसके लिए पहले सही आपको पता कैसे पता लगेगा, सबसे पहले इसका नूज प्लास है, इसका लॉक निकालेंगे। देखिए ये इस यहाँ पे एक नूज प्लास का लॉक है, इस लॉक को खोल के गजन स्पिन को बाहर निकालेंगे और फिर इसको बताऊंगा मैं इसको कि कितनी लूज़ हो रही है। तो देखिए कैसे पता लगेगा। देखिए ऐसे हमने इसका लॉक निकाल लेंगे पिस्टन का, ये देखिए पिस्टन का लॉक निकाल लेंगे और किसी चीज़ से गजन पिन को उधर से हल्का सा किसी चीज़ से दबा देंगे। ये देखिए किसी चीज़ से मैं इसको ये देखिए दोस्तों, ये इसके गजन पिन को निकाल लेंगे इस तरह कुछ पीछे करके। ये देखिए ऐसा निकाल दिया पिस्टन मैंने इसका गजन पिन से लॉक निकाल के, और इसकी क्रैंक देखिए क्या पहचान है, इसमें साइड प्ले आ गई है थोड़ी ज़्यादा ही, और ये ऊपर नीचे की प्ले भी आ गई जिसे ठक ठक बज रहा है। इसमें ऊपर नीचे की प्ले नहीं होनी चाहिए, ये देखिए ऊपर नीचे आ रही है प्ले, ये साइड प्ले थोड़ी बहुत ही होती है पर ये भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो इसको खोलने के लिए हमें पूरा चैम्बर खोलना पड़ेगा। तो उसका मेन कारण क्या है क्रैंक जाने का, क्रैंक जाने का मेन कारण है कि आप कम ऑयल में अपनी बाइक चला रहे हैं, इंजन ऑयल कम होने से आपकी बाइक जल्दी कटेगी क्रैंक। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसको संभल करना बताऊंगा, इसके लिए बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।